तो एसिड्स के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होता है कि जो एसिड्स वो चीजें होगी जो क्या करेगी, ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देगी, ठीक है, सारिन टेस्ट होगी यानी कि खट्टी होगी टेस्ट में, और कोरोजिव होगी जिस चीज से भी लगेगी। यूजुअली स्ट्रॉन्ग एसिड उस चीज को क्या करते हैं, जला देते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग बेसिस की बात करें तो बेसिस क्या करते हैं, ब्लू लिटमस रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। बिटर इन टेस्ट होते हैं यानी कि कड़वे होते हैं, कभी इच्छा हो तो घर में जो मीठी सोडा होती है वो खा के देखना, तो हम लोग को आस्ट लास्ट में पहले तो ऐसा लगेगा कि टेस्टलेस है, फिर लास्ट में कड़वा टेस्ट आता है उसका, या फिर साबुन वाबुन खा के देखना, ठीक है ना। और सोप भी टू टच होती है, ठीक है। अब क्या होता है, हर बार जरूरी मतलब पॉसिबल नहीं होता है कि आप चीजों को क्या करोगे, खा के देखोगे। एचसीएल खा के देखा तो जबान ही जल जाएगी, तुम बोलोगे खट्टा था तो तुम ही नहीं रहोगे खट्टा बोलने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे में हम लोग क्या नहीं कर सकते, हर बार छू के नहीं देख सकते, हर बार टेस्ट करके नहीं देख सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें यूज करते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हम लोग को बताते हैं कि ये गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है, डिपेंडिंग ऑन इट्स स्मेल या फिर बाय चेंजिंग इट्स कलर, ठीक है। तो हमें जो यहाँ पर एसिड बेसिस बेस के इंडिकेटर्स देखने हैं, वो एसिड बेस के इंडिकेटर्स कौन कौन से देखने हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर्स कौन होता है, लिचेंस, जिससे क्या होता है, लिटमस बनता है, जिससे क्या होता है, लिटमस बनता है। जब ये न्यूट्रल में होते हैं तो कौन से कलर के होते हैं, पर्पल कलर के। कौन एसिड में इनका कलर क्या हो जाता है, रेड, और बेसिस में इनका कलर ब्लू हो जाता है, होता ठीक है ना। फिर आता है टर्मरिक, टर्मरिक मतलब क्या होता है, हल्दी। हल्दी न्यूट्रली जब देखते हैं तो येलो होती है, एसिड में भी ये येलो ही होती है, लेकिन बेस में ये रेड कलर की हो जाती है। यही रीजन रहता है, जब बहुत बार हल्दी के दाग किसी चीज पे लगे रहते हैं तो आपको वो जो आपकी घर की हेल्पर्स होती बोलती है इसमें साबुन नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसमें साबुन लगाएंगे तो साबुन में क्या होता है, बेस होता है, और बेस होता है तो क्या होगा, वो कलर रेड पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट विनी ने भी किया था, कुछ मत करो, हल्दी लो, तुम लोग भी घर जाके कर लेना, हल्दी लेना, हल्दी के ऊपर डिटर्जेंट डाल देना थोड़ा सा, एक कपड़े पे छोटा थोड़ा सा हल्दी लाना, और उसी हल्दी पे क्या करोगे, डिटर्जेंट लगा डिटर्जेंट दोगे। डिटर्जेंट लगा दोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश, ठीक है, अच्छा डार्क डीप रेड भी आएगा, डिपेंड्स कि आप कितना डिटर्जेंट यूज लगा रहे हो कर उस पे। रहे उसके बाद उस पे लेमन स्क्वीज कर देना तो वापस येलो हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब हल्दी का ओरिजिनल कलर क्या था, येलो, फिर हैं आपने उस पे क्या करा, बेस डाला था, वो क्या हो गया, रेड। अब उस पे आप लेमन स्क्वीज करोगे तो वापस क्या बन जाएगा, येलो, क्योंकि वो न्यूट्रली भी येलो कलर का होता है, और अगर एसिडिक भी रहेगा तो भी कौन से कलर का शो करेगा, ठीक है ना। फिर रेड कैबेज का जूस आता है जो न्यूट्रली पर्पल कलर का रहता है, ठीक है ना, और एसिड में रेड कलर का हो जाता है और बेसिस में ग्रीनिश येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या थे, हमारे लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज, ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स थे, ठीक है ना। फिर आते हैं कौन से, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, क्लोव ऑयल, अनियन और वेनिला। क्लोव ऑयल, अनियन और वेनिला, तीनों में एक ही चीज याद रखनी है, क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल, अनियन तुम लोग समझते हो प्याज, और वेनिला एसेंस आता है जिसमें से वेनिला टाइप की स्मेल आती है। अगर न्यूट्रली इनकी सबकी एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी, एसिड में भी इनकी वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहेगी, लेकिन अगर आप इसमें क्या कर दोगे, बेस डाल दोगे, तो इनकी जो स्मेल है वो वैनिश हो जाएगी, इनकी स्मेल चली जाएगी। इसके अलावा तुम लोग को दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स याद रखने हैं, पहला कौन सा, फिनोफ्थिलीन, जो नॉर्मली तुम लोग लैब में देखोगे तो ये कलरलेस होता है, एसिड में भी कलरलेस रहता है, लेकिन बेस में कौन से कलर का हो जाता है, पिंक। पिंक और दूसरा मिथाइल ऑरेंज, जो न्यूट्रली क्या रहेगा, ऑरेंज कलर का, लेकिन बेस में क्या, एसिड में क्या हो जाएगा, रेड, और कलर बेस में क्या हो जाएगा, येलो। सो दीज आर सेट ऑफ इंडिकेटर्स जो तुम लोग को क्या रखने हैं, याद रखने हैं। अब देखो पहला रिएक्शन क्या है, देखो सारे रिएक्शन जब एसिड के साथ हो रहे हैं तो एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, एक चीज कॉमन है, सब में क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट सब में क्या बनेगा, सॉल्ट ठीक है ना। अब अगर सिर्फ एसिड हाइड्रोजन के साथ मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन, ऑक्साइड और बेस के साथ वाटर,
और कार्बोनेट और बायकार्बोनेट के साथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों। अब हम लोग को क्या करना है, एक-एक करके इसकी रिएक्शंस देखनी है। सबसे पहले हम लोग कौन सा करेंगे, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो हम लोगों ने सबसे पहले मेटल कौन सा लिया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर भी सेम लिया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन। पोटेशियम रिएक्ट करेगा तो KCl प्लस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो निकलेगा ही क्या, तो जवाब है क्या, हाँ, हमें सिर्फ सॉल्ट बनाने चाहिए, K के साथ क्या बनेगा, Cl, KCl। Ca के साथ Cl बनेगा तो क्या बनेगा, CaCl2, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2। Mg के साथ Mg2, क्योंकि Mg की वैलेंसी क्या होती है, 2। आयरन की वैलेंसी क्या होती है, 3, तो FeCl3। और एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी कितनी होती है, 3, तो यहाँ क्या बनेगा, AlCl3। सिमिलरली जब तुम H2O के साथ, H2SO4 के साथ दूसरे एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो Na प्लस H2SO4 वुड गिव मी H2 साइड हो जाएगा, बचा क्या, Na2SO4, K2SO4, CaSO4। CaSO4 क्यों हुआ, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2। सल्फेट यानी कि SO4 की वैलेंसी भी कितनी होती है, 2। तो फिर दोनों का 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। वैसे ही MgSO4, Fe2SO4 thrice और Al2SO4 thrice, is that clear? भी FeCl2 भी तो हो सकता है कहाँ, ये आयरन के साथ जब हाँ, दो वाली रिएक्ट वैलेंसी में 2 भी बन सकता था, करेगा FeCl2 पर जनरली देखा जाता है कि 3 वाले की अबेंडेंस ज्यादा तो है। क्लियर है, ज्यादा। आगे जाए। अच्छे, पूरी रिएक्शन सेम है, इस बार बस मेटल की जगह क्या आ गया है, हाँ मेटल मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड सॉल्ट्स वही बनेंगे जो पुरानी इक्वेशन में थे, जैसे कि NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, AlCl3, FeCl3, और वहां बनेंगे H2SO4 के साथ Na2SO4, K2SO4, CaSO4, MgSO4, Fe2SO4 thrice और AL2SO4 thrice। ऑक्साइड फर्क क्या रहेगा, क्योंकि इस बार ऑक्साइड है, तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की जगह क्या रिलीज होगा, वाटर। वाटर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की जगह क्या रिलीज होगा, वाटर। तो वाटर जब सिंपल मेटल से एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जब मेटल ऑक्साइड से करवाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इज सॉरी दैट क्लियर, सॉरी आगे जाए। अब अगर एसिड प्लस बेस देखे तो भी सेम कॉपी पेस्ट रिएक्शन होगी क्या, हाँ, बस पहले मेटल था, अब यहाँ पर ऑक्साइड के लिए क्या आ गया, ओ, और अब हाइड्रोक्साइड के लिए क्या आ जाएगा, ओ एच। वाटर हाइड्रोक्साइड के लिए क्या आ जाएगा, ओ एच, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच सी एल प्लस एन ए ओ एच वुड गिव मी एन ए सी एल, तो वैसा ही है, प्लस वाटर। के सी एल प्लस वाटर, एम जी सी एल टू प्लस वाटर, प्लस सी ए सी एल टू प्लस वाटर, वाटर ए एल सी एल थ्री प्लस वाटर, एफ ई सी एल थ्री प्लस वाटर। प्लस यानी कि ये सारी की सारी कहानी क्या रहेगी, सेम रहेगी, वाटर ठीक है। चेंज कहाँ आएगा, मेटल कार्बोनेट और बायकार्बोनेट। अब जैसे ही हम लोगों ने क्या बनाया, मेटल कार्बोनेट बनाया, तो मेटल कार्बोनेट में वाटर के साथ सॉल्ट अगेन वही रहेगा, लेकिन वाटर के साथ क्या रिलीज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चेंज आया समझ में, हाँ क्लियर है। चलो, HCl प्लस Na2CO3 विल गिव मी NaCl प्लस H2O प्लस CO2, हाँ ठीक है। अब यही चीजें हम लोग अगर देखे कायम में H2SO4 के साथ, तो देखो सॉल्ट्स तो वही बन रहे हैं सारे, बस यहाँ पर क्या आ रहा है, H2O प्लस CO2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। सेम रिएक्शन बायकार्बोनेट में, CO3 की जगह क्या आ जाएगा हर जगह पे, HCO3, HCO3, HCO3। प्रोडक्ट कॉपी पेस्ट रहेंगे कौन से, जो कार्बोनेट में थे, ठीक है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये पांच क्या है, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स है, ओके। ये देखो, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बायकार्बोनेट की रिएक्शन से एक बार ध्यान से देखो,
एनए प्लस एचसीओ थ्री वुड गिव मी एन एच सी एल प्लस सीओ टू प्लस एच टू, एच टू एस ओ फोर प्लस एन एच सी ओ थ्री वुड गिव मी एन ए टू एस ओ फोर प्लस सीओ टू प्लस एच टू ओ, क्लियर है ना? तो पूरे रिएक्शंस किसके जैसे रहेंगे, अगेन बता रही हूँ कार्बोनेट जैसे ही रहेंगे, ये देखो ठीक है। बस फर्क क्या है, कार्बोनेट इज सीओ थ्री एंड बाय कार्बोनेट इज एच सी ओ थ्री। ओके,